हैव अ वेरी शाइनिंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। खेल और स्वास्थ्य पार्ट 6, योग और योगासन, जिसका अध्ययन कार्य हमने पिछले खेल और स्वास्थ्य के वीडियो में किया था। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इसी अध्याय का अभ्यास कार्य। हम जरूर करेंगे बिना देर किए हुए, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे वचन चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, परंतु दुनिया हमें हमारे कर्मों के द्वारा पहचानती है। कहने का तात्पर्य है कि हम मुंह से कितना भी कुछ कहते रहें कि हम अच्छा करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन दुनिया हमारी कथनी पर नहीं बल्कि हमारी करनी पर विश्वास करती है, क्योंकि हमारे कर्मों के बाद ही जो सफलता हमें प्राप्त होती है वही हमारी सच्ची पहचान बनती है। इसी ऊर्जावान विचार के साथ हम शुरू कर रहे हैं अपने अध्याय का अभ्यास कार्य। इस अध्याय का पहला प्रश्न है, योग का क्या अर्थ है? डियर स्टूडेंट्स, उत्तर लिखिए। योग शब्द युज से बना है। युज का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग के द्वारा कार्य करते समय शरीर व मन में तालमेल बैठता है। योग एक प्रकार का आसन करने का अभ्यास है। योगाभ्यास करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रासन से होने वाले लाभ बताइए। उत्तर लिखिए, चक्रासन से निम्नलिखित लाभ होते हैं। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाकर वृद्धावस्था नहीं आने देता तथा दांतों को सक्रिय बनाता है। शरीर में स्फूर्ति एवं शक्ति बढ़ाता है। यह श्वास रोग, सिर दर्द, नेत्र विकार, सर्वाइकल तथा एस्पोंडिलाइटिस में विशेष हितकारी है। यह हाथों तथा पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न है, सर्वांगासन करने का तरीका बताइए। उत्तर लिखिए, सर्वांगासन करने का सही तरीका ये है, पीठ के बल सीधा लेट जाएं, पैर मिले हुए हों, हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर हथेलियां जमीन की ओर रखें, श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 अंश, फिर 60 अंश और अंत में 90 अंश तक उठाएं। इसके बाद लगभग 120 अंश पर पैर ले जाएं। हाथों को कमर के पीछे लगाएं, कोहनियां भूमि पर टिकी हुई हों और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। पुनः पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाएं, दोनों हाथों को कमर से हटाकर भूमि पर सीधा कर दें। अब हथेलियों से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम में उठे थे उसी क्रम में धीरे धीरे पहले पीठ और फिर पैरों को भूमि पर सीधा करें। हमारा चौथा प्रश्न है, सिंहासन या व्याघ्रासन की स्थिति समझाइए। उत्तर लिखिए, सिंहासन या व्याघ्रासन करते समय यदि संभव हो तो सूर्य की ओर मुख करके वज्रासन में बैठकर घुटनों को थोड़ा खोल कर रखें, हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच सीधी रखें, श्वास अंदर भरकर जिह्वा को यानी जीभ को बाहर निकालें, सामने देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए सिंहवत गर्जना कीजिए जैसे शेर गरजता है। यह क्रिया 3 से 4 बार करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, हलासन करने से क्या क्या लाभ होते हैं? उत्तर लिखिए, हलासन करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं, यह मेरुदंड को यानी आपकी स्पाइन को लचीला बना देता है तथा कब्ज को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। इसके अभ्यास से अकड़े हुए कंधे, कोहनी, गठिया एवं पीठ दर्द ठीक हो जाता है। छठा प्रश्न है, कोणासन करने का तरीका बताइए। उत्तर लिखिए, कोणासन करने का सही तरीका है, सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को अगल बगल फैलाकर खड़े हो जाएं, तत्पश्चात दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हैं, कमर का हिस्सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस आसन को 10 सेकेंड तक 4-5 बार कर सकते हैं। अगला अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, रिक्त स्थान,
मस्तिष्क को सक्रिय करता है तथा स्मरण शक्ति का विकास करता है। अगला है पश्चिमोत्तासन, रिक्त स्थान की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। अगला है रिक्त स्थान टॉन्सिल, थायराइड व अन्य गले संबंधी रोगों में उपयोगी है। चौथा है रिक्त स्थान आसन कद वृद्धि में विशेष उपयोगी है। अब रिक्त स्थानों में जो शब्द आपको भरने हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है शीर्षासन मस्तिष्क को सक्रिय करता है तथा स्मरण शक्ति का विकास करता है। दूसरा है पश्चिमोत्तासन कद की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। तीसरा है सिंहासन टॉन्सिल, थायराइड व अन्य गले संबंधी रोगों में उपयोगी है। अगला और अंतिम रिक्त स्थान है पश्चिमोत्तासन कद वृद्धि में विशेष उपयोगी है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम मिलेंगे अगले वीडियो में खेल और स्वास्थ्य के अगले अध्याय के साथ, जिसका शीर्षक होगा प्राणायाम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि खेल और स्वास्थ्य के सभी अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िए और बताए हुए निर्देशों के साथ अगर आप इनको अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ही गुणकारी लाभ प्राप्त हो सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू।